नमस्कार, सबकी नजर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं श्याम शंकर पांडे, आप देख रहे हैं सबकी नजर समाचार। आइए ले चलते हैं आपको समाचार। ग्राम सभा जखनिया में अनेकों समस्याएं उत्पन्न होती जा रही हैं। लोग पानी, आवास और रास्ते के लिए परेशान हैं। उक्त बातें सबकी नज़र से बातचीत के दौरान पंकज मिश्रा, भावी ग्राम प्रधान पद प्रत्याशी जखनिया ने कहा। उन्होंने कहा कि ग्राम सभा क्षेत्र में काफ़ी जगह जल जमाव की स्थिति बनी हुई है। पंकज मिश्रा ने कहा कि यदि मैं चुनाव जीता तो सरकार द्वारा भेजी गई योजना को गरीबों तक पहुंचाना और लोगों को पानी के लिए परेशानी ना उठानी पड़े, उसके लिए एक पानी की टंकी का निर्माण कराना हमारा प्रमुख लक्ष्य होगा। भावी प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने कहा कि हमारे रायपुर चौराहे से हमारे गांव की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है। एक ई रिक्शा चलवाएंगे ताकि हमारे गाँव की महिलाएँ, बुजुर्ग उस ई रिक्शा से निःशुल्क में यात्रा कर सकें। उन्होंने कहा कि इस बार चुनाव के लिए युवाओं में जोश है। युवा लोग भी चाहते हैं कि कोई पढ़ा लिखा शिक्षित ग्राम प्रधान चुना जाए जो ग्राम सभा का संपूर्ण विकास करा सके। विधवा, वृद्धा और विकलांग पेंशन पर बात करते हुए पंकज मिश्रा ने कहा कि जीतने के बाद अपने जखनिया ग्राम सभा में पेंशन बनवाकर मुक्त कर दूंगा, कोई भी पेंशन के लिए वंचित नहीं रह पाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों की फसल नुकसान ना हो, किसान आवारा पशुओं से परेशान ना हो, उसके लिए एक गौशाला बनवाऊंगा। पंकज मिश्रा ने कहा कि क्षेत्र के लोगों का हैंडपंप खराब पड़ा है, कहीं कहीं तो गंदा पानी भी आ रहा है। मैं खंड विकास अधिकारी के पास जाकर मिला, प्रार्थना पत्र भी दिया। BDO साहब कहते हैं कि अभी खाते में पैसा ही नहीं है। एक सवाल के जवाब में पंकज मिश्रा ने कहा कि अपने ग्राम सभा से जात पात की राजनीति खत्म कर दूंगा। उन्होंने कहा कि विकास वहीं रुक जाता है जब ग्राम प्रधान जीतता है और माला पहन लेता है तो वो समझता है कि मैं राजा हो गया हूं, जबकि जीतने के बाद कोई भी ग्राम प्रधान जनता का सेवक है। उसे अपनी जनता की पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ सेवा करना चाहिए और एक नौकर की तरह कार्य को करेंगे तभी विकास संभव है। माला पहनने के बाद राजशाही ढंग से कार्य करेंगे तो विकास संभव नहीं हो सकता। शिक्षा व्यवस्था पर बातचीत करते हुए भावी ग्राम प्रधान पद के प्रत्याशी पंकज मिश्रा ने कहा कि जब समाज शिक्षित होगा तभी गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, यही मेरा मुख्य उद्देश्य होगा। सबकी नजर के लिए सर्वेश तिवारी के साथ SS पांडे की खास रिपोर्ट। इस समय हमारे बीच में बैठे हैं पंकज मिश्रा, जो मुगरा बादशाहपुर ब्लॉक क्षेत्र के जखनिया ग्राम सभा के निवासी हैं। पंकज मिश्रा, आगामी जो ग्राम पंचायत का चुनाव होने वाला है उसमें प्रधान पद के प्रत्याशी के रूप में मैदान में आ रहे हैं, क्या कारण है चुनाव मैदान में आने का, ग्राम प्रधानी का चुनाव लड़ने का कारण क्या है? आइए बात करते हैं पंकज मिश्रा जी से। पंकज जी, जी ग्राम प्रधानी का जो चुनाव, आगामी जो चुनाव आने वाला है, जी सुनने वाला है आपकी तैयारी है जी, क्या चुनाव लड़ेंगे? जी हाँ। क्यों, एक बैग आपका व्यवसाय कोई और था, इसके बावजूद आप ग्राम सभा में कूद रहे हैं? ग्राम सभा में काफी ऐसी समस्याएं हैं कि हम लोग घूमते टहलते हैं, देख रहे हैं, जिस कारण से हम लोगों को चुनाव में आना पड़ा। क्या कारण, क्या है कारण? है कि न किसी प्रकार का कोई सुविधा है गाँव में, न पानी का व्यवस्था है, न आवास है, रास्ते काफी अवरोधक पड़े हुए हैं, काफ़ी जगह जल जमाव है, तो इसी कारण हम लोग जो है मूड बनाए कि इस बार जो है पंचायती चुनाव भाग लेंगे। क्या एजेंडा क्या होगा चुनाव में? चुनाव हमारा पहला एजेंडा होगा कि गरीब से गरीब के जो वर्ग के लोग हैं उनको सरकार द्वारा जो भी योजनाएं आ रही हैं उनके घर तक पहुंचाना। दूसरा मुद्दा हमारे यहाँ है पानी का, नल तो शायद है कि 10-20 जगह लगा होगा, बाकी घर वंचित हैं। उसके लिए हम विचार ये बना रहे हैं कि अपने कार्यकाल में अगर वो दिन आया तो एक पानी टंकी का निर्माण करेंगे, जिससे हमारे गांव में एक छोर से लेकर दूसरे छोर तक पाइपलाइन दौड़ा के सबसे पहले पानी का व्यवस्था करें गांव में, जो कि हमारे गांव का सबसे बड़ा मुद्दा है। और दूसरा मुद्दा है हमारा रायपुर चौराहे से हमारे गाँव की दूरी लगभग 2.5 किलोमीटर है, जिसके लिए हम एक ई रिक्शा का व्यवस्था करना चाहते हैं। उस रिक्शे से हमारे गांव की जो भी महिलाएं हैं, बुजुर्ग हैं, वो निःशुल्क अपने गांव से रायपुर चौराहे का आवागमन कर सकती हैं। मॉडल ग्राम सभा बनाने की योजना चल रही है? जी हाँ, क्योंकि युवाओं में जोश है, उत्साह है, इस बार चुनाव में सभी लोग चाह रहे हैं कोई युवा प्रधान आए गांव में, कोई शिक्षित प्रधान हो
और सारे युवा जो है मिलके कंधे से कंधा मिला के आज पंचायत चुनाव में हमारे साथ भाग ले रहे हैं, और पंचायत चुनाव के बाद भी जो भी हमारे गांव के युवा हैं कंधे से कंधा मिला के, हर युवा अपने आप को प्रधान समझेगा तभी हमारे गांव का विकास संभव है, नहीं तो नहीं है। पंकज जी, देखने को मिलता है कि चुनाव में जिस समय चुनाव आता है बहुत लंबे लंबे लोग वादा करते हैं, लेकिन जब चुनाव जीत जाते हैं उसी भोली भाली जनता को, अपने मतदाता को भूल जाते हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से जनता को बताना चाहते हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति हमको अगर मतदान कर रहा है तो मैं वादा कर रहा हूँ पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल में कभी किसी मतदाता को पछतावा नहीं होगा कि हमने अपना मतदान गलत जगह दिया। विधवा और वृद्धा पेंशन को लेकर के क्या स्थिति आपकी रहेगी? विधवा पेंशन, वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन, मेरा टारगेट ये है कि 6 महीने के अंदर इसको आबादी बढ़ती जा रही है जी। देखने को मिलता है जब शादी ब्याह का समय आता है तो उन लोगों के पास बारात घर नहीं है जी, धर्मशालाएं नहीं है जी, ऐसे में क्या आपका विचार? उसके लिए भी हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि एक कोई बहुत बड़ा नहीं तो एक छोटा सा मैरिज हॉल टाइप का एक व्यवस्था किया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है हमारे गांव में सबसे बड़ा मुद्दा है पशुओं का, आवारा पशु काफ़ी यहां टहल रहे हैं, किसी का खेत नुकसान कर रहे हैं, किसी का कुछ, तो हम सोच रहे हैं कि एक कोई गौशाला जो है ग्राम सभा में लोगों को एकत्रित करके उसको बनवाया जाए ताकि हमारे ग्राम सभा में जो फसल नुकसान हो रहा है उस गाय हो कोई भी चीज़ हो उसको गौशाला में रखा जाए, उनका सेवा किया जाए। और सभी ग्रामवासियों से हम अपील करेंगे कि जो भी सक्षम है, भूसा है या ना कुछ भी है, आप उसमें ले जाए, सहयोग करें ताकि गांव का फसल नुकसान ना हो पाए। करीब 2 महीने हुआ है बीडीओ साहब को हमने 6 नल का शिकायत किया है लिखित में, कई बार तो बीडीओ साहब बोले कि सिग्रेटरी को मैं बोल दिया हूँ जाएंगे वहाँ रिपेयरिंग हो जाएगा, देखते देखते आज 3 महीने हो गया, अभी 1 हफ्ते पहले हम बीडीओ साहब से मिले तो कह रहे हैं अभी निधि में पैसा ही नहीं है, और करीब 6 नल तो हम अप्लीकेशन दिए हैं, उसके अलावा करीब 15 से 20 नल जो है हैंडपम्प खराब पड़े हुए हैं, कहीं गंदा पानी आ रहा है, कहीं बालू आ रहा है, कहीं बोर भ्रष्ट है, तो बीडीओ साहब से शिकायत की है लेकिन वो बोलते हैं कभी खाते में पैसा ही नहीं है जिस वजह से ये रिपेयरिंग का काम नहीं हो पा रहा है। मॉडल ग्राम सभा का विकास लेकर के चुनाव मैदान में जा रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, सबसे बड़ा मुद्दा होगा विकास का मुद्दा, जो कि हमारे ग्रामवासी झेल रहे हैं उस समस्या को हम लोग मिलजुल के खत्म करना चाहते हैं। और सबसे पहली चीज हमारे गांव में जो जात पात की राजनीति है, जात पात में लोग बांटते हैं, उस चीज को बंद करने का संकल्प लिए हैं और वादा करते हैं कि इसको हम बंद करके रहेंगे, इसके लिए मुझे किसी ढंग की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, हम तैयार हैं। पंकज जी, ग्राम प्रधान जो है गांव का सर्वप्रथम नागरिक माना जाता है, किसी के यहाँ कोई घटना होती है दुख सुख सब में ग्राम प्रधान सर्वप्रथम पहुँचते हैं, लेकिन अधिकतर देखने को मिल रहा है कि जनता परेशान है, कहीं शौचालय को लेकर के, कहीं पेंशन को लेकर के, कहीं राशन कार्ड को लेकर तमाम समस्याएं होती हैं, चुनाव के समय समस्याएं सब सामने आ जाती हैं, जीतने के बाद समस्याएं दब जाती हैं, ऐसा क्यों? सबसे बड़ी चीज है कि ग्राम प्रधान जब जीतते हैं, जीत का माला पहनते हैं तो अपने आप को राजा समझते हैं, और राजा उनका समझना गलत फहमी है, कोई भी ग्राम प्रधान हो वो सेवक है, जनता का सेवा करना चाहिए उनको, और एक नौकर की तरह अगर काम करेंगे तभी विकास संभव है, माला पहनने के बाद अगर राजशाही ढंग से रवैया अपनाएंगे तो विकास कभी संभव हो ही नहीं सकता, क्योंकि कोई भी ग्राम प्रधान हो जमीनी स्तर से नीचे से लेकर ऊपर क्रम पर जाना चाहिए, यहाँ उल्टा होता है, ऊपर से लोग नीचे जाते हैं, कोई भी योजना आए नीचे से आप शुरुआत करिए, जब नीचे के वर्ग जो है उनका कार्य पूरा हो जाए तो जो बचा है फिर आप 10 लोगों को बैठक करके समझिए कौन उचित है, किसको क्या दिया जाए, उसी ढंग से जो है ग्राम सभा में काम किया जाए। अगर शिक्षा व्यवस्था की हम बात करते हैं जी, तो कहाँ तक उसको ले रहे हैं आप? पहली प्राथमिकता है शिक्षा व्यवस्था की हमारे ग्राम सभा में, क्योंकि जब समाज शिक्षित होगा तभी गांव का विकास होगा, देश का विकास होगा, यही मेरा प्रमुख एजेंडा होगा। जब समाज शिक्षित होगा तभी गांव का विकास होगा, यह कहना है पंकज मिश्रा जो भावी ग्राम प्रधान जखनिया के प्रत्याशी हैं। अपने सहयोगी सर्वेश तिवारी के साथ मैं एसएस पांडे, मुगराबाद, शाहपुर, जौनपुर।